हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे का स्टेप बाय स्टेप आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको आपको वेबसाइट पे ऊपर आ जाना है, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर जो ये एडमिशन फॉर फर्स्ट ईयर एडमिशन के ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप इस पेज की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ये डायरेक्टली लॉगिन पेज है, तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम डालना है, मतलब आप पहले फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं तो यूज़र नेम डालिए, उसके बाद पासवर्ड डालिए, फिर कंफर्म पासवर्ड करिए, सेम पासवर्ड, मोबाइल नंबर आपका और ईमेल आईडी, ठीक है। उसके बाद यहाँ रजिस्टर के ऊपर हमें क्लिक करना है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा वन टाइम ही। काफ़ी इजी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो ये रजिस्ट्रेशन आपको करना है। उसके बाद जो है तो यहाँ पर आपका लॉगिन करना है, उसकी के बाद आपका लॉगिन पेज पर जाकर लॉगिन करना है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए, ये इंस्ट्रक्शन एक बार रीड कर लीजिए। आई हैव रीड इंस्ट्रक्शंस एंड टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सेलेक्टेड कोर्स, उसके बाद एक्सेप्ट कीजिए। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का विंडो देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप किस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स सेलेक्ट कर रहा हूँ यूजी के लिए। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपके पर्सनल डिटेल्स आपको फिलअप करना है, जैसे कि यहाँ पर टाइटल मिस्टर मिस कुमार कुमारी जो भी है आपका वो फिलअप करना है। उसके बाद सर नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, यहाँ पर ये ऐसे डालना है, सर नेम, फर्स्ट नेम और मिडल नेम। और जैसा आपके मार्कशीट पे है SSC या HSC के मार्कशीट पे जैसा आपका नेम है उसी तरह से सेम एज इट इज़ यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी आ जाएगा, ईमेल आईडी ऑलरेडी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद ब्लड ग्रुप आपको सेलेक्ट करना है, और जेंडर, और जो है तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एज़ पर लिविंग सर्टिफिकेट आपको डालना है, और मदर टंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपका बर्थ प्लेस, नेशनलिटी, एडमिशन टाइप महाराष्ट्र या नॉन महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए है ये, तो यहाँ पर महाराष्ट्र, आप अगर महाराष्ट्र से है तो, या फिर आउट ऑफ स्टेट है तो नॉन महाराष्ट्र सेलेक्ट करना है। उसके बाद कैटेगरी टाइप, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने EWS सेलेक्ट किया है, आपकी जो भी कैटेगरी है आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे जो आएंगे पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करना है, पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन में फादर नेम, मदर नेम, गार्डियन नेम, और यहाँ पर गार्डियन कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद आधार नंबर, अगर आपका फिजिकली डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, या डिफेंस कोटा, मतलब जिसके भी पेरेंट्स डिफेंस सर्विसेज में हैं तो वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और या फिर कोई ऑफरेन है, अनाथ है, तो यह यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके आपके हिसाब से आपका जो भी रिजर्व परसेंटेज है, 1% 2% रिजर्वेशन रहता है इन कैटेगरीज के लिए, तो वो आपको मिल जाएंगे बेनिफिट। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस डाल दीजिए, परमानेंट एड्रेस और करस्पोंडेंस एड्रेस, अगर परमानेंट एड्रेस और करस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर बस आपको चेक करना है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट हमें करना है। तो यहाँ पर आपको जो भी, आप अगर CBSE बोर्ड से पास आउट है या कोई और स्टेट के बोर्ड से पास आउट है तो सभी के लिए यहाँ पर इंट्री लेवल एग्ज़ाम में SSC ही सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर 10th या आप जो भी है वो डाल सकते हैं SSC, ठीक है। SSC मतलब सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। उसके बाद यहाँ पर आपका बोर्ड सेलेक्ट करना है, आप जिस भी बोर्ड से पास आउट हुए, CBSE, ICSE या जो भी आपका बोर्ड है उससे। उसके बाद पासिंग ईयर सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पर एग्जाम सीट नंबर, आपका ऑप्टेंड मार्क, टोटल मार्क्स जो भी आपके मार्कशीट के ऊपर है उस पे से देख के डाल दीजिए आप। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज ऑटोमेटिकली आ जाएंगा, और पासिंग मंथ के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड के ऊपर आपको क्लिक करना है, ऐड जैसा ही कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए मिलेंगे। तो फोटोग्राफ के लिए आपको जो फॉर्मेट है वो दिया गया है, ओनली JPG, GIF या PNG, ये तीन फॉर्मेट अलाउड है, और मैक्सिमम 500 KB की साइज़ है,
उसी तरह से अगर सिग्नेचर की बात की जाए तो सिग्नेचर के लिए भी यहाँ पर तीनों फॉर्मेट हैं और 300 KB जो है वो मैक्सिमम साइज़ है। तो इससे आपको कम ही साइज़ रखना है, ये आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोर्स आप एक से ज़्यादा भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा कोर्स के, जैसे कि यहाँ पर मैं BSc माइक्रोबायोलॉजी सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके लिए अप्लाई करने के रूप में 100 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे। उसके बाद अगर BSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ, और उसके लिए अलग से 100 रुपीज़ पे करना पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं BSc माइक्रोबायोलॉजी सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद जो आपका यहाँ पर जो परसेंटेज है, सॉरी, जो आपका HSC का मार्क्स है वो आपको डिटेल्स फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पर अभी महाराष्ट्र बोर्ड का भी रिजल्ट लग चुका है, तो वहाँ पर ये आपको डालना है। उसके बाद आपका स्कूल और कॉलेज नेम डालना है, उसके बाद ऑप्टेंड मार्क और टोटल जो भी मार्क्स है वो डाल दीजिए, और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए यहाँ पर आप मेरे केस में 3 डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी है, जिसके भी ऊपर स्टार है ये आपके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। जैसे कि यहाँ पर 12th मार्कशीट आपको कंपलसरी अपलोड करना ही है, 12th की मार्कशीट की स्क्रीनशॉट, अगर ओरिजिनल नहीं है तो ऑनलाइन वाली स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जितने भी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट कंपलसरी रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर EWS सेलेक्ट किया था, तो मुझे यहाँ पर EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, तो ये 3 डॉक्यूमेंट हमें अपलोड ही करना है कुछ भी केसेस में, ठीक है। तो इसकी जो साइज़ है 200 KB से कम होना चाहिए, PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आपके जो भी फोल्डर में फाइल है वो वहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए और अपलोड कर दीजिए। इस तरह से यहाँ पर तीनों डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड किए, तो अपलोड यहाँ पर ब्राउज करने के बाद आप सेलेक्ट करेंगे और ऐड कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर नीचे आ जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वन बाय वन। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको फाइनल स्टेप्स में रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है, 100 रुपीज़ आपको रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है, और ये पे करने के बाद आपको एप्लीकेशन आपकी कंफर्म करना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर आप पेमेंट करते हैं तो उसके बाद 24 आवर्स डिले हो सकता है, मतलब 24 आवर के बाद आपको कंफर्मेशन का मैसेज आ सकता है, या फिर जब का जो मतलब जो टाइम पे आपने पेमेंट किया है तब भी आ सकता है थोड़ी देर में, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है जो पेमेंट करने के बाद की प्रोसेस है। और इसी तरह से अगर आप कोई और कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली एक कोर्स के अप्लाई करने के बाद सिलेक्शन ऑफ कोर्स में जाना है, वहाँ से आप दूसरा अप्लाई कर पाएंगे। तो सेम प्रोसेस रहेगा, बस आपको 100 रुपीज़ फिर से पे करना पड़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप फर्ग्यूसन कॉलेज का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।